हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है थर्सडे, मैं बैंगलोर से व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि हम लोग रिटर्न आ चुके हैं बैंगलोर। और 12 जुलाई को हम लोग रिटर्न आ गए थे और भाई नहीं आया अभी तक क्योंकि उसका बुलावा नहीं आया ऑफिस से। और शायद वो सितंबर में आ सकता है क्योंकि बोल रहा था कि सितंबर से स्टार्ट होगा ऑफिस। अभी तक कुछ श्योर नहीं है तो इसलिए वो नहीं आया अभी तक। बैंगलोर रिटर्न आने से पहले हम लोग गए थे हमारे ससुर जी के नेटिव क्योंकि कोको का मुंडन करवानी थी। तो फैमिली में ये रिचुअल है कि 18 मंथ के बाद मुंडन करवा के जिस दिन मुंडन होती है उसी दिन रात को एक पूजा भी होती है। पूजा उसके नेक्स्ट डे से फिर एग एंड मीट खा सकते हैं। तो हम लोग बंगाली है और नॉन वेजिटेरियन है तो हम लोग खाते हैं मीट, एग, फिश। और फिश वो पहले से ही खाती थी, सिर्फ एग एंड चिकन मटन ये सब नहीं खाती थी क्योंकि ये रिचुअल है कि खा नहीं सकते। हर बंगाली में ये रिचुअल नहीं होती है, हम लोगों में है। 18 मंथ के बाद ही मुंडन करवा के फिर उसके बाद से एक फिश मटन चिकन खा सकते हैं। फिश वो खाती है, फिश एक साल के बाद से मैं दे रही हूँ। मैं वहाँ पे व्लॉग नहीं बनाई लेकिन सब कुछ रिकॉर्ड करके रखी हूँ और मैं यहाँ पे कुछ कुछ वीडियोस ऐड कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। और आइए देखते हैं। बहुत जरूरी थी क्योंकि एक बार बैंगलोर आ जाए तो पता नहीं ये कोरोना के चक्कर चलते हुए कब फिर गुवाहाटी जाना हो। और गुवाहाटी से वो जगह ऑलमोस्ट 7 आवर्स की जर्नी है। तो उस टाइम मतलब क्या अभी भी इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट अलाउ नहीं था तो इसीलिए हम लोग को परमिशन निकालनी पड़ी। और इनिशियली तो परमिशन भी नहीं मिल रहा था, फिर बाद में परमिशन भी मिल गया और हम लोग बहुत अच्छे से वो रिचुअल करवा के फिर 4 दिन बाद ही बैंगलोर आ गए। तो यही था कोको का मुंडन का सफर। और ये है टकलू कोको, आफ्टरनून नैप ले रही थी तो मैं शांति से व्लॉग बना पाई अपने कलर बॉक्स को लेके बिजी है। कलर्स कहाँ है, ये तो सिर्फ कवर है। कलर्स पापा डब्बा